Hello students, today we will study class 5th science chapter 5, and this is second lecture of chapter 5. Previous class में हमने spinal cord और brain के बारे में पढ़ा था और इसमें हम nerves के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so let's start our class with nerves. Nerves are like a complex system of telephone wires that conveys messages from the various body parts to the brain and from the brain back to the body parts. Okay, nerves क्या होती है कि ये बंडल ऑफ न्यूरॉन्स से बनती हैं. बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो न्यूरॉन सेल से बनी हुई है और ये टेलीफोन वायर्स के जैसे होती हैं जो मैसेज कन्वे करती हैं बॉडी पार्ट से लेके ब्रेन को और ब्रेन से मैसेज लेकर बॉडी पार्ट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हैं. ओके, हियर इज नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स. ईच नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन. न्यूरॉन जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म नर्व्स. नर्व जो है वो नर्व सेल से बनी है और एवरी नर्व सेल इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन. जैसे अभी मैंने बताया कि नर्व्स जो है बंडल ऑफ न्यूरॉन सेल से बनी हुई है और हर न्यूरॉन जो है जॉइंट्स टुगेदर टू फॉर्म नर्व्स. सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ के नर्व्स को बनाते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स. थ्री टाइप के नर्व्स होती हैं. फर्स्ट सेंसरी नर्व्स. दे सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड. ये सिग्नल को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक सेंड करती हैं, भेजती हैं. दे मोस्टली कनेक्ट टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. और ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करती हैं सेंसरी नर्व. सेकेंड इज मोटर नर्व. दे सेंड सिग्नल बैक फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल. ये ब्रेन से मसल्स तक मैसेज ले जाती हैं एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी. और बॉडी में जो भी ग्लैंड्स होते हैं जिससे जूसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूसेस सिक्रीट होते हैं, वहाँ तक मैसेज ले जाती हैं. दीज सिग्नल मेक द मसल्स मूव एंड द ग्लैंड सिक्रीट जूसेस एक्सेट्रा. द वाटरिंग ऑफ माउथ एट द अरोमा ऑफ गुड फूड. मीन्स ये जो है दी सिग्नल्स मेक द मसल्स मूव. इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू मसल्स मूव करते हैं और ग्लैंड्स जो हैं अपनी जूसेस को सीक्रीट करती हैं, मतलब श्रावित करती हैं. जैसे कि कुछ अच्छे खाने की खुशबू जब आती है तो हम मोटर नर्व जो है वो हमारा ब्रेन कहता है कि खाने की खुशबू बहुत अच्छी है और हमारे मुँह से पानी निकलना रहता है, मुँह में पानी आना है, जिसे कहते हैं वाटरिंग द माउथ, मुंह में पानी भरना. तो हमारे मुंह से पानी टपकने लगता है. हमारी मोटर नर्व कहती है कि खाने की खुशबू बहुत अच्छी है, पानी टपकना चाहिए, तो पानी टपकना शुरू हो जाता है. इसे ही सलाइवा कहते हैं, जैसे आप जानते भी होंगे. मिक्स्ड नर्व. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ नर्व. दे सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एज वेल एज कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द सेंस ऑर्गन. थर्ड टाइप जो है मिक्स नर्व. ये क्या करती हैं, सेंड सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू ब्रेन. सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक ले जाती हैं एज वेल एज कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू सेंस ऑर्गन. और यही मिक्सड नर्व भी ब्रेन से फिर वापस मैसेज लेके आती हैं और सेंस ऑर्गन को देती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन. एज यू नो अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट. जैसे आप सबको पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कि ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का. जैसे चोट लग गई, अगर सपोज यहाँ पे फिंगर आपको दिख रही होगी, ये फिंगर अगर कट गई तो फिंगर कट गई किसी चीज़ से, शार्प ऑब्जेक्ट से. जैसे ही मेरे हाथ में पेंसिल अगर ये लग जाती है, चुभती है, तो तुरंत मुझे उंगली हटाना है. ओके, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है जो ऑटोमेटिक होता है. जैसे हमारी आई ब्लिंक करती है, पलके झपकना है, तो ये सारी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट. एग्जाम्पल यहाँ पे है कि जब भी हम कोई गर्म चीज़
छू लेते हैं, बाय मिस्टेक छूते हैं, आवर हैंड ऑटोमेटिकली पुल्स इट सेल्फ अवे, तो हमारा हाथ अपने आप पीछे चला जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एक्शन ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, ऐसे कामों में ऐसे वर्क के लिए ब्रेन हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन हमारे ग्लैंड्स करते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो वर्क होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही सारा ये वर्क करता है कि चोट लगी है हाथ पीछे कर लो, आँख में कुछ पड़ने वाला है आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं पानी पड़ते ही, तो ये सारा काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू गवर्न होता है। यहाँ पे एक फिगर है, हाउ रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ये कैंडल दिख रही होगी, हॉट ऑब्जेक्ट दिखाया है, फिंगर फील्स द पेन, यहाँ पे फिंगर जो है पेन को फील कर रही है, जल रहा है, तो यहाँ से सीधे मैसेज जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड मसल को मैसेज दे रहा है कि हाथ खींच लो भैया तुम्हारा हाथ जल रहा है, तो ये हाथ जलने के लिए हैंड पुल आर्म्स, तो यहाँ पे आर्म को खींच लेने का मैसेज दिया जा रहा है, और हाथ पीछे हो जाएगा जैसे ही मैसेज मिलेगा। ओके, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर 5, सेंस ऑर्गन्स। The organs which connect us to the outside world are called sense organ. ऐसे organ जो हमें बाहर की दुनिया से connect करते हैं वो हमारे sense organ होते हैं। Eyes, nose, ears, tongue and skin are 5 sense organs. और 5 sense organ हमारे कौन कौन से हैं? Eyes, nose, ear, tongue and skin. They help us to see, smell, hear, taste and touch. First is eyes. Eyes are the sense organ of sight. आईज जो है देखने वाले सेंस ऑर्गन है हमारे, जिससे हम किसी चीज़ को देखते हैं समझते हैं। वी सी वेरियस थिंग विद द हेल्प ऑफ आईज, आँखों से बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, सभी चीज़ आँखों से ही देखते हैं। आईब्रोज एंड आई लैशेज प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम स्वेट एंड डर्ट, आईब्रोज यहाँ पे आईब्रोज ऊपर जो आईज के ऊपर होता है, आईज है यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे शेड करके दिखा दे रहे हैं, आईज के ऊपर ऐसे ब्लैक कलर का आईब्रोज जो है, और आई लैशेज ये जो हमारी पलके होती है आई लैशेज, ये कोई भी डस्ट स्वेट को डर्ट को आने से हमारी आंखों में रोकती हैं, वही प्रोटेक्ट करती हैं हमारी आंखों को। सेकेंड इज नोज, इट हेल्प अस टू स्मेल वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ों को, या ऐसे कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को महकने का काम जो है वो हम नोज से ही करते हैं। वी ऑल्सो ब्रीथ थ्रू इट, और इसके साथ ही हम इससे सांस भी लेते हैं। नेक्स्ट इज ईयर्स, दीज आर द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ये सुनने के लिए हमारे अवशेषी अंग हैं, सेंस ऑर्गन हैं, वी आर एबल टू हियर वेरियस साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स ओनली, और जितने भी तरह की आवाज़ें होती हैं हम अपने ईयर्स के थ्रू ही सुनते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस, और ये हमारे बॉडी के बैलेंस को भी बनाती हैं हमारे ईयर्स। टंग, टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टंग जो है टेस्ट का सेंस ऑर्गन है, जिससे ये पता चलता है कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, तीखी है, कैसी है, गर्म है या ठंडी है, ये सब हमारे टंग से पता चलता है। वी कैन टेस्ट वेरियस फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, और अलग अलग तरह के फूड्स को टेस्ट करते हैं हम। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बड्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ टंग, अब टंग के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में 4 काइंड के टेस्ट बड्स होते हैं। दे हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट, सार, साल्टी एंड बिटर फूड आइटम, और इन्हीं की वजह से हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं कि वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है या कड़वा है। यहाँ पे टेस्ट बर्ड का टंग का फिगर दिया है, जिसमें 4 टेस्ट बर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, सबसे आगे स्वीट, बीच में साल्ट, फिर शार, फिर बिटर यहाँ पे दिख रहा है हमें। ओके, लास्ट इज स्किन, स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टच एंड फीलिंग, और यहाँ पे स्किन जो है हमारी सेंस ऑर्गन लास्ट सेंस ऑर्गन होती है, जो टच और फीलिंग हमें बताती है। इट हैज़ नर्व्स एंडिंग दैट हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड एंड पेन, और इसमें जो नर्व्स होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि हमें गर्मी हो रही है, ठंड लग रही है, दर्द हो रहा है, जो भी फीलिंग्स होती है हमारी, हमारे स्किन के थ्रू हमें पता चलती है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और फिर से एक बार आप इसे रीड करेंगे
अपनी नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे. थैंक यू.